बिहार में अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भाषाएं हैं। इन क्षेत्रों के प्रमुख जनपदों के नाम के आधार पर इन भाषाओं का नामकरण हुआ है। इनमें मुख्य रूप से भोजपुरी, मैथिली, मगही का नाम आता है। इसके अलावा अंकिका और वज्जिका भी है, जिन्हें मैथिली की उपभाषा भी कहा जाता है। बहुत समृद्ध बोलियां रही हैं, परंपरा से स्वीकृत भोजपुरी, मगही, मैथिली। इधर कुछ लोगों ने मगही के क्षेत्र से अलग अंगिका का क्षेत्र माना है, फिर वज्जिका नाम की अलग भाषा की पहचान बनी है। मगही, भोजपुरी, मैथिली को आम तौर पर बिहारी भाषा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी अपनी अलग पहचान है। नेपाल, मॉरिशस, गुयाना, सुरिनाम जैसे देशों में काफी तादाद में लोग इन बोलियों का इस्तेमाल करते हैं। माना जाता है कि इन भाषाओं को जानने वाले उत्तर बिहार के लोग जहां जहां पहुंचे, इन भाषाओं का क्षेत्र बढ़ा और इसे बोलने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी। एक भाषा दूसरी भाषा से शब्द संपदा लेकर समृद्ध होती है, तो इस तरह भाषा के आदान प्रदान से विकास भाषा का होता है। आज भी यदि विवाह का गीत गाना हो तो हिंदी में नहीं गाया जा सकता। जितने भी संस्कार गीत हैं, यदि किसी बच्चे का जन्म हुआ है, उपनयन हो रहा हो, विदाई हो रही है लड़की की, शादी के गीत गाए जा रहे हैं, ये सारे के सारे लोक बोलियों में ही गाए जाए। जितने भी हमारे पर्व हैं उनके गीत उसी में होते हैं, चाहे होली के हों, चाहे दिवाली के हों, चाहे छठ के गीत हों। तो जाहिर है कि इन लोक बोलियों ने हमें अपनी जड़ से जोड़ रखा है। भोजपुरी भाषा की शुरुआत शाहबाद जिले के भोजपुर से मानी जाती है। भोजपुर के नाम पर ही इस भाषा का नाम भोजपुरी पड़ा। भोजपुर प्राचीन उज्जैनी क्षत्रियों की राजधानी थी। मध्यकाल में भोजवंशी परमार शासक राजा भोज के नाम पर इस क्षेत्र का नाम भोजपुर रखा गया और यहाँ बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी कहलाई। भोजपुरी भाषा का इतिहास 7वीं सदी से शुरू होता है। गुरु गोरखनाथ की गोरखबाणी में भी इस भाषा का प्रयोग हुआ है। संत कबीर दास का जन्मदिन यानी 2 नवंबर विश्व भोजपुरी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में इसे बोलने वाले बिहार और उत्तर प्रदेश के करीब 50,000 वर्ग मील में फैले हुए हैं। ये भाषा बिहार के भोजपुर के अलावा बक्सर, भभुआ, रोहतास, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण जिले में बोली जाती है। बिहार के करीब 2.3 करोड़ लोगों की मातृभाषा भोजपुरी है। भारत के जनगणना आंकड़ों के मुताबिक देश में भोजपुरी जानने वालों की संख्या करीब 3.5 करोड़ है, जबकि दुनिया भर में भोजपुरी जानने वालों की संख्या करीब 5.25 करोड़ मानी जाती है। विदेशों में भी भोजपुरी बोलने वाले लोग मॉरिशस, फिजी, गुयाना, सुरिनाम जैसे कई देशों में फैले हुए हैं। भोजपुरी अंतरप्रांतीय तो है ही कि बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, और इसके अलावा मॉरिशस, सुरिनाम, गुयाना, युगांडा सब भोजपुरी के प्रचार प्रसार में इस भाषा के फिल्मों की भी अहम भूमिका है। भोजपुरी एक बहुत सुंदर, सरस और मधुर भाषा है। भोजपुरी भाषा में साहित्य हालांकि बड़ी संख्या में नहीं है, लेकिन विश्व स्तर पर इस भाषा का प्रचार प्रसार हो रहा है। भोजपुरी के प्रमुख रचनाकार भिखारी ठाकुर हैं। इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इन्होंने भोजपुरी गीतों और नाटकों की रचना की है।
लोक संगीत के क्षेत्र में भिखारी ठाकुर की एक अलग पहचान है। बिहार की भाषाओं में सबसे उन्नत और विकसित भाषा मैथिली है। इसकी शुरुआत 10वीं शताब्दी में हुई थी। मैथिली की सबसे पहली रचना ज्योतिश्वर की है। मैथिली भाषा विदेह महाजनपद की भाषा है। बिहार के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, सीतामढ़ी और पूर्णिया जिलों में ये भाषा बोली जाती है। बिहार में करीब 1,30,00,000 लोग मैथिली बोलते हैं। इसे बोलने वाले बिहार के अलावा दूसरे राज्यों और विदेशों में भी हैं। मैथिली भाषा ये आई विश्व सर्वप्रमुख भाषा सब में से एक मानल जायत है। निर्बाध रूप से विश्व प्राचीनतम भाषा सब में से एक है। प्राचीन मैथिली के विकास का शुरुआती दौर प्राकृत और अपभ्रंश के विकास से जोड़ा जाता है। करीब 700 ईस्वी के आसपास इसमें रचनाएं की जाने लगी। कवि कोकिल विद्यापति इस भाषा के सबसे बड़े कवि हैं। विद्यापति ने मैथिली के अलावा संस्कृत और अवहट में भी रचनाएं लिखी हैं। ये वो भाषाएं हैं जिनसे मैथिली का विकास हुआ। निश्चित रूप से विद्यापति हमारे मैथिली कवि छला। कवि कोकिल महाकवि विद्यापति रचना प्रसंग में इतने कह प्रजात है कि विद्यापति के जो विश्व कवि दर्जा देल जायत है वो कोनो अतिरिक्त नहीं है। कारण रविन्द्रनाथ टैगोर सेहो अपन रचना में विद्यापति प्रभाव से प्रभावित देखल जाय छथि। समालोचक की मत छनि। वर्तमान में भी मैथिली पर शोध हो रहा है। कई लोगों ने इस भाषा में शोध किया है। डॉक्टर हरिमोहन झा, बाबा उग्र नारायण मिश्र मैथिली के जाने माने लेखक हैं। सन 1967 में भारत की साहित्य अकादमी ने मैथिली को साहित्यिक भाषा का दर्जा दिया और इसके 36 साल बाद यानी सन 2003 को मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। भारत सरकार एकरा संविधानक 8वीं अनुसूची में स्थान दे देलक। तहिया सँ एकर महत्व आर बढ़ गेल अछि। अखन जे कंपटीशन के युग छे, ए प्रतियोगिता के युग में बीपीएससी यूपीएससी ए महान परीक्षा सभक माध्यम से अब मैथिली भ गेल अछि। यह कारण अछि जे मैथिली भाषा साहित्य पर अखन बराबर काज चल रहल अछि। अब कह सकते हैं इन तीनों बोलियों में मैथिली की स्थिति थोड़ी अच्छी है क्योंकि उसको साहित्य अकादमी में स्थान मिला हुआ है। 8वीं अनुसूची में भी राजनीतिक कारणों से उसे महत्व मिल गया। मगही मगधी का अपभ्रंश है। मगही मगध जनपद की लोक भाषा हुआ करती थी। ये अभी भी बोली जाती है। सा मागधी मूल भाषा यानी भाषाओं की उत्पत्ति मागधी से हुई और उसी मागधी से मगही की भी उत्पत्ति हुई। यह सही है कि मगही में शुरू शुरू में रचनाएं थोड़ी कम थी लेकिन आज जिस तरह से लोग लिख रहे हैं साहित्य की सारी विधाओं नाटक हो कविता हो कहानी हो एकांकी हो और आजकल जो नई नई विधाएं प्रचलित हैं उसमें भी मगही के रचनाकार लिखने लगे हैं और आज मगही की ढेर सारी रचनाएं। इसका भोजपुरी और मैथिली से जुड़ाव भी दिखता है। बिहार में मगही बोलने वालों की संख्या करीब 1,45,00,000 है। ये बिहार के पटना, गया, जहानाबाद, नवादा और नालंदा के इलाकों में बोली जाती है। मगही की धार्मिक भाषा के रूप में भी बड़ी पहचान है। कई जैन धर्म ग्रंथ मगही में ही लिखे गए हैं। प्रारंभ से ही जब से मागधी से मगधी निकला, मगही भाषा निकली, तब से हम लोग बोलते आ रहे हैं और बिना साहित्य के मगही आज तक जिंदा है। शुरू शुरू में इसके साहित्य कम मिलते हैं, आज तो बहुत साहित्य हो गए लेकिन बिना साहित्य के मगही
पूरे मगध क्षेत्र में, मगध क्षेत्र के जहाँ लोग हैं वहाँ आज भी जिंदा है। मगही के पहले महाकाव्य की रचना महाकवि योगेश ने की। कई पुरस्कारों से सम्मानित योगेश प्रसाद सन्हा योगेश आधुनिक मगही के सबसे लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। 23 अक्टूबर को उनकी जयंती मगही दिवस के रूप में मनाई जाती है। हालांकि इस भाषा के पहले कवि ईशान माने जाते हैं। इनका रचना काल 7वीं शताब्दी माना जाता है। भोजपुरी वाले लोग लड़ी थे, लड़ाई तो हमनियो करी थी, तो जब सब मिलजुल के मगहिला जोड़ लगावे तो वो दिन दूर न है जब अपन मगही भाषा भी संविधान के 8वां अनुसूची में शामिल हो जाते। अंगिका भाषा प्राचीन अंग जनपद यानी भारत के उत्तर पूर्व और दक्षिण बिहार, झारखंड, बंगाल सहित नेपाल के तराई इलाकों में बोली जाने वाली भाषा है। इस प्राचीन भाषा को भागलपुरी भाषा भी कहा जाता है। अंगिका भाषा बिहार के भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, देवघर, दुमका, सहरसा, पूर्णिया सहित 17 जिलों में बोली जाती है। पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा के कुछ अंश, पहले सहरसे जिला के अंतर्गत रहे मधेपुरा सहरसा, तो वो अंश जब जिला कटले तो सहरसा के कुछ अंश जाए छे अंगिका में। करीब 4 से 5 करोड़ लोग फिलहाल में इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अंगिका को साहित्यिक भाषा का दर्जा भी मिला हुआ है। अंगिका भाषा का अपना समृद्ध इतिहास रहा है। सरहापाद हुआ, सबरापा हुआ, चंपापा हुआ, कर्णपा हुआ, धर्मपापा हुआ, ये जे जतना भी सिद्ध सब प्रमुख प्रमुख सिद्ध चले वो यही क्षेत्र के चले, या तो चंपा से ओकरो संबंध छे, या सबौर से संबंध छे, इत्यादि इत्यादि। और हेकरो जे भाषा छे वो अंगिका के सबसे प्राचीनतम रूप छे। अंगिका भाषा की सबसे पुरानी किताब 6वीं शताब्दी में ललित विस्तार नाम से बौद्ध ग्रंथ की रचना है। 8वीं शताब्दी के कवि सरहा या सरहापा को अंगिका साहित्य में सबसे ऊंचा दर्जा मिला हुआ है। सरहापा को हिंदी एवं अंगिका का आदि कवि माना जाता है। जो सबसे प्राचीनतम रूप छे उसी साहित्य में छे, तो एक तरह से समझा पा रहे छे कि 6ठी शताब्दी या 4थी शताब्दी के आसपास अंगिका के प्राचीन साहित्य उपलब्ध छे, जेकरा पर हिंदी आज गर्व करे छे कि हिंदी के पहले कवि के आय अंगिका वाला ये गर्व के साथ कह पा रहा कि अंगिका के पहले कवि भी सरहापा छे। प्राचीन समय में अंगिका भाषा की अपनी एक अलग लिपि अंगलिपि भी थी। अंगिका को भागलपुरी भाषा भी कहते हैं। इसे छिकाछिकी वाली भाषा भी कहा जाता है। कई लोग इसे मैथिली का ही बदला हुआ रूप मानते हैं। वैशाली मुजफ्फरपुर इलाके में बोली जाने वाली भाषा वज्जिका कहलाती है। इसे बोलने वालों की संख्या करीब 62 लाख है। वज्जिका मैथिली की एक उपभाषा मानी जाती है। जहाँ पर वो भोजपुरी से मिल रहा है वहाँ पर उसका टोन है, जहाँ पर मैथिली से मिल रहा है वहाँ पर छीछा के प्रयोग हो जा रहा है, जहाँ पर वो फिर नेपाल के तराई में जा रहा है तो वहाँ पर उसका भाषा के आधार बन रही है। वज्जिका वज्जी संघ की भाषा है। इसे पश्चिमी मैथिली या मैथिली भोजपुरी कहा जाता है। वैशाली जिला, मुजफ्फरपुर जिला, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, दरभंगा जिले का पश्चिमी भाग और नेपाल तराई का इसके सामने वाला जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा क्षेत्र वज्जिका भाषी है। राहुल सांस्कृत्यायन जैसे विद्वानों ने वज्जियों की बोली समझकर इस भाषा को वज्जिका का नाम दे दिया था।